हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और राहुल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर सर्किट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पर लगा हुआ है और इनका कौन सा रोल होता है इन सर्किट में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इन्वर्टर का सर्किट बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो लगे हुए हैं। इनके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्विच पहले से ही लगा दिया था, क्योंकि वहाँ पर स्विच वाला सेक्शन है। जहाँ पर मैं अभी पेन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक IC जो है वो लगा हुआ है। इस IC का नंबर है LM358IC। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो LM358IC जो है, यानी कि ये वाला IC छोटा सा जो कि इस इन्वर्टर सर्किट के ऊपर लगा हुआ है, ये एक डुअल चैनल ऑफ एम्प IC है। यहाँ पर लिखा गया है कि द LM358IC इज ए ग्रेट लो पावर एंड ईजी टू यूज डुअल चैनल ऑफ एम्प IC। दिस IC इज डिजाइन स्पेशली टू ऑपरेट फ्रॉम ए सिंगल पावर सप्लाई ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज। हियर द IC इज स्पेशली यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन एज इट इज ए डुअल कंपैरेटर IC। दोस्तों, क्योंकि ये एक डुअल कंपैरेटर IC है, इसीलिए ये IC इस इन्वर्टर सर्किट बोर्ड में यूज किया गया है ताकि वोल्टेज रेगुलेट कर सके। This IC gives power to the indicator which shows that the battery is charging or not, fault detection and low battery indication etc. दोस्तों, ये जो IC है ये आपके इंडिकेटर को पावर देता है, यानी कि ये वाले इंडिकेटर जो रेड कलर का इंडिकेटर है वो फॉल्ट डिटेक्ट करता है, और बाकी के जो दो आपको दिख रहे हैं यानी ग्रीन कलर के इंडिकेटर्स, ये आपके चार्जिंग को दिखाता है, यानी कि जब बैटरी चार्ज होता है वो दिखाता है, और जब आपका इन्वर्टर यूज में होता है दूसरा वाला LED जो है वो ग्लो करता है। तो इन LEDs का ये काम होता है। तो ये IC खत्म होने के बाद अब हम चलते हैं हमें दूसरे IC की ओर। ये वाला जो आप IC देख रहे हो, इस IC का नंबर है KA3525A IC। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दिस IC इज ए SMPS कंट्रोलर IC। दोस्तों, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। हियर इन दिस सर्किट LM358IC इज कनेक्टेड विथ द KA3525A IC। LM385IC गिव्स पावर टू KA3525A IC व्हेन बैटरी इज लो बिलो 10.5 वोल्ट। LM358IC stops giving power to KA3525A IC. This IC converts 12 volt DC to AC with PWM, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल। दोस्तों, ये जो IC होता है ये आपके LM358IC के साथ कनेक्ट हुआ है। LM358IC क्या करता है कि आपके जो ये बड़ा वाला IC है, यानी कि KA3525A IC को पावर देता है। जब आपका बैटरी जो है वो लो रहता है, यानी कि 10.5 वोल्ट से कम रहता है, LM358IC आपको जो 3525A IC है उसको पावर देना बंद कर देता है। यानी कि जब आपका बैटरी लो होता है तो LM358IC आपका जो दूसरा वाला IC है उसको वो पावर नहीं देता है, जिससे कि आपका जो बैटरी लो का इंडिकेटर है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका जो बैटरी है वो लो हो गया है, आपके बैटरी को दोबारा रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका एक और भी काम होता है। ये जो IC है ये 12 वोल्ट DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये 12 वोल्ट DC जो आपका आउटपुट निकलेगा उसको AC में कन्वर्ट करेगा विथ PWM सिग्नल। दोस्तों, PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो दो MOSFET लगे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ।
दोस्तों ये जो मॉस्फेट आप देख रहे हो इनका नंबर है P55NF यानी कि P55NF। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हियर देर आर टू P55NF मॉस्फेट। मॉस्फेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दीज आर एन चैनल मॉस्फेट। यू कैन यूज एनी मॉस्फेट बट दे शुड बी NPN मॉस्फेट। दोस्तों ये जो P55NF के मॉस्फेट यहाँ पर लगे हुए हैं, आप इनके बदले कोई सा मॉस्फेट यूज़ करते हो लेकिन वो NPN मॉस्फेट होना चाहिए, जैसे कि IRFZ44N, IRF840, IRFZ3205। फ्रेंड्स ये जो IRFZ3205 जो मॉस्फेट है ये आपके करंट को अप टू 110 एम्पीयर एंड 55 वोल्ट तक स्विच कर सकता है। उसके बाद चलते हैं हमारे ट्रांसफार्मर की ओर। तो ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों एक फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता है। दिस ट्रांसफार्मर इज़ नॉन कंडक्टिव फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड दैट हैज़ इट्स वाइंडिंग मेड फ्रॉम फेराइट कोर्स। दिस ट्रांसफार्मर्स आर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस बिकॉज दे कैरी लो कोएर्सिविटी एंड ऑफर लो एडी करंट लॉसेस। हियर कोएर्सिविटी मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू चेंजेस इन मैग्नेटाइजेशन। दोस्तों जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उससे आपका जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आता है, इसी को हम कोएर्सिविटी कहते हैं। तो चलिए इस जो ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि प्रोज, ये आपको प्रोवाइड करता है लो एडी करंट, यानी कि आपका लॉस जो है वो कम होगा। स्मॉल इन साइज, वर्क विथ हाई फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपको आउटपुट में बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है और इनपुट में भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ले सकता है। ये एक एफिशिएंट होता है और थोड़ा सस्ता होता है। इसके एक बस एक ही कॉन है। कॉन क्या है कि फ्रेंड्स जो भी गैजेट्स होते हैं, यानी कि आपका फ़ैन जैसे ले लो आप एग्जांपल, जो 50 से 60 हर्ट्ज तक चलता है वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, हियर इन दिस इन्वर्टर बोर्ड इन आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी एसी इज जनरेटेड। दैट्स वाई ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज्ड सो दैट द फ्रीक्वेंसी कैन बी मेंटेन्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के सामने चार ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा चार डायोड लगे हुए हैं जिससे एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार किया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट देता है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा गया है। देन द मिडिल सेक्शन इज SMPS चार्जिंग सेक्शन ऑफ 14 वोल्ट एंड वेरी लो एम्पेयर लेस देन 1 एम्पेयर। रिले साइड सेक्शन इज ऑटोकट सेक्शन व्हेन देयर इज करंट। दिस सेक्शन कीप द बैटरी स्टैंड बाय एंड व्हेन द करंट गोज अप इट रिफ द बैटरी। ये वाला जो बीच वाला सेक्शन आप देख रहे हो, ये वाला सेक्शन जो है वो SMPS चार्जिंग सेक्शन है जो कि 14 वोल्ट और बहुत ही कम एम्पेयर से आपका बैटरी को चार्ज करता है। ये वाला सेक्शन जो है ये आपका ऑटोकट का सेक्शन है, जिससे कि आपके घर में करंट होगा ये अपने आप बैटरी को बंद कर देगा, यानी कि इन्वर्टर चालू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके घर में करंट जाएगा ये बैटरी को यूज़ में लाएगा और आपका जो इन्वर्टर है वो चालू होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। ये वाला सेक्शन चार्जिंग वाला सेक्शन है, यानी कि ये वाला जो टोटल सेक्शन, और ये वाला सेक्शन जो है वो इन्वर्टर का सेक्शन है। यहाँ पर बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है और कुछ को सर्किट कंप्लीट करने के लिए बीच में दिया गया है, और कैपेसिटर्स दिए गए हैं कुछ, ताकि ये आपके पावर को जो है वो कम ना होने दे और आपका जो इन्वर्टर बोर्ड है वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करे। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।